दोस्तों ये जो प्लांट आप देख रहा हूँ ये एक शहतूत के मीठी प्लांट है, इसमें मीठे फल होता है और हाइब्रिड फल है, काफ़ी लंबा भी होता है और ये फल बहुत मीठा होता है दोस्तों। तो इसकी हम पुनिंग करेंगे और पुनिंग करते समय क्या ध्यान देना चाहिए शहतूत के प्लांट की, और पुनिंग आपको कैसे करना है और पुनिंग करने के सही समय क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं पिंटू, आप देख रहे हैं डीपी गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं यानी मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई गार्डन रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों तो इसको पुनिंग करने का सही तरीका क्या है वो बताएँगे आज। और पुनिंग देखिए, हमने बारिश का मौसम चल रहा है इसमें हम पुनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्लांट हमने कटिंग से ग्रो किए थे, एक छोटा सा 4 इंच के गमला में हम 3 कटिंग को ग्रो किए थे और इजीली ग्रो हुआ था, अच्छा ग्रो हुआ था मेरा। अगर शहतूत की मीठी जो फल होता है उसकी कटिंग कैसे ग्रो किया जाता है घर पे, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे नीचे एक वीडियो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो इस कटिंग को हमने लगाए थे करीब 4 महीना पहले, और 1 महीना बाद हमारा जब कटिंग इसमें ग्रो हो गया, जड़े आ गया, तो उसको हम अलग अलग कर दिए। तो ये लगा एक प्लास्टिक के 9 इंची के गमला में, तो दोस्तों 9 इंची के गमला में जरूर लगा इस कटिंग को, लेकिन हमने मिट्टी बहुत कम रखी है इसमें। और उसके बाद इसको हम पुनिंग कर रहा हूँ बारिश के मौसम में। और दोस्तों इसकी जब पुनिंग करना आपको, तो बारिश के मौसम में कोई भी प्लांट में अगर पुनिंग करते हैं तो तिरछा करके आपको पुनिंग करना है, जहाँ से आप पुनिंग कर रहे हैं तो तिरछा करके। दोस्तों इसमें हम एक ब्लेड लिए, नई ब्लेड, जब पुनिंग करते समय आपका कटार हो या ब्लेड है वो नया होना चाहिए, उसमें कोई फंगस नहीं होना चाहिए। तो आपको पुनिंग करते समय जो ब्रांच में पुनिंग कर रहा हूँ वो आपको तिरछा करके करना है, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बारिश का जो पानी है वो आपका कटिंग में नहीं रुकेगा, आपको फंगस नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये हमने पुनिंग कर लिए है, अब इससे हम फिर पुनिंग करेंगे, इसकी जब फल आने के समय होगा, फूल आने का, उस तब हमारा काफ़ी सारे ब्रांच इसमें आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फूल और फल मिलेगा हमको दोस्तों। तो पुनिंग करने के बाद इसमें हम लगाएंगे साफ फंगिसाइड। दोस्तों साफ फंगिसाइड अगर ऐसे सूखा लगाएंगे तो आपको बारिश होने के बाद ये गिर जाता है, आप थोड़ा सा डिस्टिलवाटर से आपको नरम करके गीला करके आपको लगाना है, तो साफ फंगिसाइड आपका लगा रहेगा, एक बार सूखने के बाद नहीं गिरेगा दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि साफ फंगिसाइड आपका प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। ये हमने जब कटिंग को लगाया इजीली ग्रो किए थे घर पे, तो इसमें एक करीब 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ, मतलब ब्रांच लिए थे जो अंगली होता है उसकी मोटाई की। तो दोस्तों इसमें कुछ घास आ गया, इसको हम निकाल देंगे, नहीं तो जिसमें इसमें जो फर्टिलाइजर है वो हमारा फर्टिलाइजर घास में ही हम वो कर देगा, तो इसलिए इसको हम घास को निकाल देंगे, खरपतवार जो भी है दोस्तों। तो इस कटिंग करते समय आपको इतना ध्यान देना है कि ब्रांच आपको काफ़ी, अगर बोन सही बनाना चाहते तो कटिंग आपको करना ही पड़ेगा, और चाहे जितना बड़ा प्लांट है उससे आपको कोई, आपको ये नहीं कि ब्रांच हमारा अच्छा है इसको कट कर देंगे तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप कोई किसी भी प्लांट को अगर पुनिंग करेंगे तो तभी आपको बोनसाई बनेगा, और बोनसाई जब बनेगा उससे आपको ज़्यादा फल और ज़्यादा फूल मिलेगा दोस्तों। तो ये शहतूत के मीठी कटिंग को आप फिर से एक बार बताते इजीली, और ये ब्रांच को हम काट देंगे, क्योंकि ये नीचे से अगर कोई ब्रांच आपका प्लांट में निकालता है तो ऊपर वाला जो ब्रांच है उसको ग्रो में, उसको ग्रो नहीं होने देता, इसीलिए आपको नीचे से ब्रांच को आपको पुनिंग जरूर करना है दोस्तों। इससे क्या है, ये जो हमने देखिए इसमें शहतूत के जो पुनिंग किया हमने, ये इस समय बारिश के मौसम में, और बारिश के मौसम में पुनिंग करना अच्छा होता है शहतूत के प्लांट में। आप भी